everyone, welcome to Help First Special. As we all know, April is the month of autism awareness, and today we are with the one and only dynamic personality, Dr. Deepak Gupta, who is the founder of Center for Child and Adolescent Wellbeing, and he is a senior consultant of Sir Gangaram Hospital, and he is a child and adolescent psychiatrist. आज हम उनके साथ ऑटिज्म के बारे में कुछ बातें जानेंगे. सो आइए. हेलो सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ है और बहुत सारे पेरेंट्स के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वैसे हम उस ऑटिज्म के अवेयरनेस करना चाहते हैं. तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू इज व्हाट इज द अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म. देखिए, ऑटिज्म को अगर आदमी चाहे तो साल भर, साल डेढ़ साल की उम्र में पहचान सकता है. सबसे पहली चीज़ है बच्चे का आई कांटेक्ट. अगर बच्चा साल भर तक, एक साल की उम्र तक आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, अगर बच्चा साल से डेढ़ साल के बीच में इशारा नहीं कर रहा चीज़ों के लिए, करेक्ट, अगर बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो इसका मतलब सबसे जल्दी के अर्ली साइंस हैं ये. तो नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करना, आई कॉन्टैक्ट नहीं देना, मतलब आँख से आँखें नहीं मिलाना, और तीसरा चीज़ों के लिए इशारे नहीं करना. तो ये आप 9 महीने से लेके 18 महीने के बीच में पिक कर सकते हैं. जो मैं बार बार कहता हूँ, जितना जल्दी उतना बेहतर. अगर आपने ये 9 महीने से 18 महीने के बीच में पिक कर लिया, आप बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार ला सकते हैं. उसके बाद बाकी और भी सिम्टम्स आते हैं, लेकिन जो सबसे अर्लीस्ट साइंस हैं वो ये हैं, जिसमें कोई भी पिक कर सकता है. तो कोई भी बच्चा, मैं से एक कहूँगा, कोई भी बच्चा अगर आई कॉन्टैक्ट नहीं देता, अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करता और चीज़ों के लिए इशारा नहीं कर रहा एक डेढ़ साल तक, इमीडिएटली उसी वक्त माँ बाप को, अभिभावकों को सतर्क होना है और उसी वक्त ही किसी मेडिकल डॉक्टर को या किसी अपने बच्चों के जो चिकित्सक होते हैं, बच्चों के जो होते हैं बाल चिकित्सक, उनके पास तुरंत जाके उनसे संपर्क करना चाहिए. देखिए, ऑटिज़म का एक कोई डेफिनेट कारण नहीं है. ऑटिज़म के मल्टीपल थ्योरीज हैं. जो अभी लेटेस्ट थ्योरीज हैं वो कहती है कि कॉम्बिनेशन है जेनेटिक फैक्टर्स का और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का. तो जेनेटिक फैक्टर मतलब हो गया कि आपको जेनेटिकली चांसेस हैं ऑटिज़म होने के, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो उन जेनेटिक कारणों के साथ मिलके वो करके कारण ऑटिज़म होता है. वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो जेनेटिक जो ट्रिगर कर देते हैं, है ना, तो जो हमारे अंदर जेनेटिक जीन्स हैं वो जीन्स हमारे को वल्नरेबल बनाते हैं, मतलब हमारे के अंदर ऑटिज़म होने के चांसेस होते हैं, लेकिन वो दबे हुए होते हैं. जब एनवायरमेंटल फैक्टर हमको हिट करते हैं, जैसे पॉल्यूशन में हो गया, इसमें लेड होता है, कुछ लोग कहते हैं वैक्सीन्स में जो हैवी मेटल्स होते हैं, हमारे खाने पीने में जो केमिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी जो मोबाइल रेडिएशन होती हैं, करेक्ट, इन्फेक्शंस होते हैं, कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसीज होती हैं, तो ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो उसको हिट कर सकते हैं. तो वो जो मल्टीपल फैक्टर जो हिट कर रहे हैं, डेफिशिएंसीज हैं, है ना, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, तो वो हिट करा और उसकी वजह से बच्चे के अंदर लक्षण सिम्टम्स निकल कर आते हैं. और एक थ्योरी है कि कारण ही नहीं पता, जिसको लोग कहते हैं कि कारण ही नहीं पता, इडियोपैथी का कारण नहीं पता, पता नहीं क्यों होता है, बस होता है. तो बस कई, लेकिन उन कारणों को समझने की कोशिश चली आ रही है. अगले कुछ सालों में और भी कारण समझ में आएंगे, जिस तरह साइंस की रिसर्च चल रही है, तो आई एम श्योर कि अगले 5-10 साल में काफ़ी आएगा. लेकिन जो अभी लेटेस्ट थ्योरी है वो यही है एपिजेनेटिक्स की, जिसको बोलते हैं एपिजेनेटिक्स, कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो वल्नरेबल लोगों को ट्रिगर करता है और उसकी वजह से ऑटिज़म के लक्षण निकल कर आते हैं. इसलिए बहुत बच्चे आप देखेंगे जिनका ऑटिज़म बच्चों में 1.5-2 साल के आसपास रिग्रेशन होता है. ये बच्चा 1.5 साल तक 2 साल तक ठीक था, बोलता था थोड़े शब्द, आंखें मिलाता था, समझता था बातें, दुनिया से जुड़ता था, लेकिन 1.5 और 2.5 साल के बीच में या 1.5 और 3 साल के बीच में उसने एकदम बोलना बंद कर दिया, आंखें मिलाना बंद कर दिया और अपनी दुनिया में चला गया, उंगलियों से खेलने लग गया, परछाई से खेलने लग गया. क्योंकि कुछ कारण होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो एकदम से जेनेटिक फैक्टर्स जो वल्नरेबल वालों को हिट करते हैं और उसकी वजह से ऑटिज़म के लक्षण निकल के बाहर आते हैं. कैसे हम ऑटिस्टिक बच्चों का असेसमेंट करें, क्या कोई उनके लिए टूल्स है? देखिए, जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है उसके बहुत सारे टूल्स हैं असेसमेंट के. पहले तो एक क्लिनिकल क्राइटेरियाज होते हैं जो DSM-5 के, ICD-10 और 11 जब आने वाली है उसके बाद एक बार असेसमेंट, आपने एक बच्चे को
एक माँ बाप से अच्छी हिस्ट्री ली, बच्चों को ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्व करने के बाद आपने इन क्राइटेरियाज को लगाया। उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, जैसे आइसा है, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, एम चैट है, उनकी एक उम्र होती है, उस उम्र में कर सकते हैं। उसके बाद कार्स करके टेस्ट है, और भी एडवांस एडीआई टेस्ट हैं जिनको करा जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंसान को साइकोलॉजिस्ट को या जो भी इसमें है उसको ट्रेनिंग चाहिए ताकि उनको अप्लाई कर सके। देखिए, जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है वो बच्चे क्योंकि अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, तो वो अपनी दुनिया में रहते हैं मगन, इसलिए उनके बिहेवियर को लगता है हाइपर एक्टिव है। लेकिन वो बच्चा अपने में लॉस्ट है, उसकी एक अपनी दुनिया है, वो उसी में खेल रहा है, उसी में एंजॉय कर रहा है, इसलिए लगता है कि बच्चे रेस्टलेस हैं। लेकिन अगर हम उन बच्चों को समझ के उनको डायरेक्शन दे सकें, गाइड कर सकें, तो उनकी बहुत बार हाइपर एक्टिविटी जो लगती है वो कंट्रोल हो जाती है। ऑटिज़म और एडीएचडी में बहुत फ़र्क है, अक्सर लोग ऑटिज़म और एडीएचडी में मिक्स कर देते हैं। जो चीज़ हाइपर एक्टिविटी रेस्टलेस ऑटिज़म बच्चों में होती है वो रियल एडीएचडी नहीं होती, वो उनकी सेंसरी ओवरलोडिंग होती है, उनका सेल्फ अब्जॉर्ब बिहेवियर होता है, उनके फिक्सेशंस ऑब्सेशंस होते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर आप उसे छेड़ोगे, उसको इंटरफेयर करोगे, तो वो बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, करेक्ट। जो एडीएचडी बच्चा होता है वो जो स्कूल में रहता है, क्लास में जाता है, बच्चों को छेड़ना, क्लास में घूमते रहना, देखना भी, रिस्पॉन्ड करना, वो एक अलग हाइपर एक्टिविटी होती है, करेक्ट। तो अगर देखा जाए तो एक सेल्फ अब्सॉर्ब बिहेवियर वाला पार्ट होता है ऑटिज्म का, और उसके अंदर सेल्फ अब्सॉर्ब पार्ट नहीं होता जो एडीएचडी में होता है, जो मेन होता है, जो मेन डिफरेंस मैं देखता हूँ। और उसमें बहुत सारे स्टिमिंग बिहेवियर्स होते हैं, फिक्सेशंस होते हैं, जिसका वो इन्वॉल्व पार्ट होते हैं, उंगलियों को हिलाते हिलाते रेस्टलेस रहेंगे, अपने में खोए खोए रेस्टलेस रहेंगे, और वहाँ पे वो एक 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 फोकस्ड होते हैं, इसको छेड़ा, उसको छेड़ा, उसके साथ खेला, घूमते रहे क्लास में, वो बातें करी, वो बातें करी, वो एडीएचडी का पार्ट है। हाँ, कुछ बच्चों के अंदर दोनों लक्षण हो सकते हैं, एज अ क्लिनिशियन हमें उसको पहचानना होता है और उसके हिसाब से इलाज करना होता है। इसलिए वो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो दवाइयाँ, जो ट्रीटमेंट एडीएचडी में काम करती हैं वो ऑटिज़म बच्चों में बहुत बार काम नहीं कर पाती हैं, इसलिए हमें उस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है हमें ध्यान रखना है कि ये समझना है कि ऑटिज़म एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। जितना बच्चे को समझ पाएंगे उतना बच्चे का अच्छा बेहतर विकास कर पाएंगे। कुछ बच्चे लेवल वन के होते हैं, कुछ लेवल टू के होते हैं, कुछ लेवल थ्री के होते हैं, जिनको माइल्ड मॉडरेट सीवियर भी लोग कहते हैं, कुछ बॉर्डर लाइन होते हैं, कुछ मिनिमल सिम्टम्स वाले होते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कि बच्चे का लेवल क्या है, प्लस बच्चे को कितनी हेल्प मिल रही है, प्लस अभिभावक कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं कि बच्चे के आगे डेवलपमेंट क्या होगी। अगर बच्चा लेवल वन का है, उसको सुविधा मिलती है, माँ बाप काम करते हैं, तो ये बच्चे मेन स्ट्रीम स्कूल में भी जाते हैं और सब कुछ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही अगर लेवल वन, जिस बच्चा माइल्ड लेवल है, लेवल वन का बच्चा है, उसको अगर सही वक्त पर सहयोग नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी, तो उसको कैसे मौके मिलेंगे। तो हमारे को ये देखना है, और सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है, डिसेबिलिटी एक्ट भी पास हो गया है, तो उसके माध्यम से बहुत कोशिश की जा रही है कि सही बच्चों को सही वक्त पे सही मदद मिल सके। दिल्ली सरकार भी बहुत कोशिश कर रही है कि इन बच्चों को स्कूल में सपोर्ट मिला जाए, इनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट करके इनको स्कूलों में एडमिशन की कोशिश करी जा रही है। लेकिन हमें ये देखना है कि साथ में इनको वो सुविधाएँ के साथ साथ इनको लगातार सुविधाएँ मिलें, लगातार सहयोग मिले, तो अगर वो मिलेगा तो काफ़ी बच्चों में काफ़ी बेहतर सहयोग और काफ़ी अच्छा विकास हो सकता है। हम कैसे जान पाएं कि बच्चे को ऑटिज्म है या कोई और डिसेबिलिटी? देखिए, उसके लिए क्लिनिशियन को असेस करना है, माँ बाप को लेके जाना है, माँ बाप को डायग्नोस नहीं करना, तो उसके लिए माँ बाप को डॉक्टर के पास लेके जाना है या जो एक्सपर्ट है इस फील्ड में, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स में, चाहे वो डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन हो, चाहे वो चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हो, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हो, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट हो, उनके पास लेके जाना है। अभिभावक का काम, पेरेंट्स का काम डायग्नोस करना नहीं है, उनका काम है सतर्क रहना और मदद लेना। सही टाइम पर सतर्क हुए, सही टाइम पे सतर्क हो गए और मदद ली, फिर वो काम है डॉक्टर का और उनकी टीम का, मदद करना उस बच्चे के साथ और उसका विकास में माँ बाप को इन्वॉल्व करना। डायग्नोसिस का काम
डॉक्टर क्लिनिशियंस का है, और अब मेरे को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उन्हीं पे छोड़ा जाए, है ना। हम गूगल से और अपनी पढ़ाई से, गूगल से और बातचीत सुन के, दो तीन लोगों से बातचीत सुन के अपने डायग्नोसिस ना करें। बहुत बार उसके अंदर चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, मैं नहीं कह रहा कि सही नहीं हो सकती, सही भी हो सकती हैं, लेकिन उससे बहुत बार चीज़ों को सही तरह से समझा नहीं जाता। अगर आप किसी से खुश नहीं है तो दूसरे डॉक्टर के पास जाएं, दूसरे क्लिनिशियन के पास जाएं, लेकिन यस, लग के करें और मिल के करें। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटिज़म बच्चों के साथ, जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है और ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स में थेरेपीज़ का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो हेल्प करती हैं बच्चों के डेवलपमेंट में। और मैं ये मानता हूँ कि यस, थेरेपी बहुत कुछ कर सकती है, बट थेरेपी सब कुछ नहीं कर सकती। थेरेपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, बट थेरेपी इज़ नॉट द ओनली थिंग। दिल्ली में तो थेरेपीज़ की सुविधा अवेलेबल है, तब भी मेट्रो शहर में अवेलेबल है, लेकिन पूरे देश में ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ पे थेरेपीज़ की सुविधा ही नहीं है। ऐसे ऐसे कस्बे हैं जहाँ पे लोगों ने थेरेपीज़ का नाम भी नहीं सुना। तो इसीलिए अगर माँ बाप ये समझ जाए कि बच्चे को चेतनताई बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे चेतनताई दी जाए, कैसे जागरूकता बढ़ाई जा सके, कैसे उससे मिलजुल के बातचीत करी जाए, कैसे उसको रास्ता दिखाया जाए, तो वो भी एक तरह की नेचुरल थेरेपी है। कैसे बच्चे के साथ खेला जाए, कैसे दौड़ाया जाए उसको, कैसे उसको उसके साथ सही खान पीन पर ध्यान रखा जाए, वो भी एक तरह की थेरेपीज है। तो इसलिए हमें देखना है, थेरेपीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन पर खर्चा भी है, थेरेपीज़ अच्छे मिलते भी नहीं हैं, सही से जगह अवेलेबल नहीं है, जो तो अच्छे थेरेपिस्ट हैं वो बहुत बिजी हैं। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि थेरेपी ज़रूरी है, बट नॉट दी कि भाई हाँ थेरेपी नहीं हुई तो कुछ नहीं हो सकता। थेरेपी तो जब जब मौका मिले पेरेंट्स को थेरेपी ज़रूर करानी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखनी है, जो पेरेंट्स और अभिभावक को ध्यान रखनी है, कि जब आप बच्चे को थेरेपिस्ट के पास लेके जाते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रोल ख़त्म हो गया, इसका मतलब नहीं आपकी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। थेरेपिस्ट थोड़े घंटों के लिए देखता है, मेन जिम्मेदारी अभिभावक और माँ बाप पे है। थेरेपिस्ट ने जो करा उससे बातचीत करके प्लान्स लें और उसे घर में अमल करें तो ही जीत होगी। इस फील्ड में जिन बच्चों ने जीता है या जिन पेरेंट्स ने बच्चों को जिताया है और आज स्कूलों में या आगे ज़िंदगी में उनको कामयाब बना रहे हैं, वो वही हुए हैं जहाँ पे माँ बाप ने लग के बच्चों के साथ मेहनत करी है, बच्चों को खुशियाँ दी हैं और कभी हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए My next question is, medical level पर क्या क्या treatment available है and वे सच में बच्चों के लिए effective है? मेडिकल लेवल में बहुत कुछ किया जा सकता है, दो तरह की चीज़ों से काम किया जा सकता है। एक है मेडिसिन अप्रोच, जिसके अंदर आप साइकोट्रॉपिक मेडिकेशन देते हैं, बच्चे को अग्रेशन है, बच्चे को गुस्सा है, बच्चे को हाइपर एक्टिविटी है, इरिटेबिलिटी है, स्लीप प्रॉब्लम्स हैं, बिहेवियरल इश्यूज हैं, अपने आप को इंजर करता है, इमोशनल डिफ़िकल्टीज हैं, तो उन सब के लिए मेडिसिन हैं जो दी जाती हैं। लेकिन अक्सर पेरेंट्स का एक ही चिंता रहती है कि मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट ना हो, कब तक दी जाए, तो वो चीज़ होती है। आज टेक्नोलॉजी गूगल है तो उस पर सब कुछ लिखा होता है, तो अच्छी बातें बुरी बातें दोनों लिखी होती हैं, तो माँ बाप अक्सर अच्छी बातों को देखने के बजाय बुरी बातों को बैठ जल्दी पकड़ लेते हैं, तो उसकी वजह से माँ बाप के अंदर चिंता आ जाती है, जो नेचुरल है। दूसरी अप्रोच है बायोमेडिकल अप्रोच, जिसको मैं बहुत विश्वास करता हूँ, मैं बहुत मानता हूँ, मैं दोनों अप्रोच फॉलो करता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा विश्वास बायोमेडिकल अप्रोच पे और भी है, क्योंकि बायोमेडिकल अप्रोच में हम बच्चे के अंदर जो मेडिकल इश्यूज़ हैं, जो डेफिशिएंसीज हैं, जो बच्चे के अंदर सिस्टम्स काम नहीं कर रहे, मेटाबॉलिक सिस्टम्स, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, टॉक्सिक लेवल्स, डिटॉक्स सिस्टम्स, गट सिस्टम, पेट के सिस्टम, उन सब पे काम करते हैं, जहाँ पे हम डाइट यूज़ करते हैं, सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, प्रोबायोटिक्स यूज़ करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स यूज़ करते हैं, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन हैं जो इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, डिटॉक्स सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, और उन सब से भी बच्चे में इम्प्रूवमेंट आता है। तो यस, बट एक बात क्लियर है, किसी भी चीज़ से क्योर नहीं है। हाँ, बच्चों का ट्रीटमेंट है, बच्चों को ट्रीट किया जा सकता है और बच्चों को अच्छा किया जा सकता है। तो इसलिए मेडिकल ट्रीटमेंट की बहुत इम्पोर्टेंस है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए,
ये नहीं कि मैं चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हूँ और बायोमेडिकल स्पेशलिस्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यस, मैं हर माँ बाप को कहता हूँ, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, जागरूकता बढ़ाइए, एक अच्छे डॉक्टर के साथ जिस पर आपको विश्वास है उसके साथ मिलजुल के काम करिए। ये नहीं कि हर ट्रीटमेंट सब बच्चों पर कामयाब होता है, बट यस, बहुत बच्चों को बहुत अच्छा बायोमेडिकल अप्रोच और मेडिकल ट्रीटमेंट से किया जा सकता है। देखिए, जैसे ऑटिज्म है, किसी बच्चे को ऑटिज्म है और जिस बच्चे को ऑटिज्म नहीं है, तो दोनों को कोई भी दिक्कत हो सकती है। सिर का दर्द ऑटिज्म बच्चों को भी हो सकता है और सिर का दर्द जिनको ऑटिज्म नहीं उनको भी हो सकता है। चोट दोनों को लग सकती है, दोनों को वायरल हो सकता है, ठीक है, दोनों को सीजर्स अफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है उनको होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो पेट के इन्फेक्शन हैं, पेट की दिक्कतें हैं, या उसके अलावा फिट्स की सीजर डिसऑर्डर्स हैं और बाकी डिसेबिलिटीज जो हैं, तो वो होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें उन चीज़ों को इवेल्युएट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो एक क्लिनिशियन है, जो डॉक्टर है, उसका काम है कि इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करें कि बच्चे में क्या क्या दिक्कतें हैं, उसको सीजर डिसऑर्डर है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसऑर्डर है, यू नो, वर्बल अप्रेक्सिया है, मोटर कोऑर्डिनेशन डिफिकल्टीज है, ADHD है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, करेक्ट, सीजर फिट्स डिसऑर्डर्स हैं, या और कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं, तो मेडिकल टीम को इन्वॉल्व करें। तो इस तरह बच्चे को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना है। अक्सर लोग सोचते हैं ऑटिज्म, अगर किसी बच्चे को ऑटिज्म है तो बस ऑटिज्म, हर चीज़ ऑटिज्म से देखते हैं, नहीं, वो भी एक बच्चा है, उसकी भी इमोशंस हैं, उसकी भी फीलिंग्स हैं, उसकी भी एक दुनिया है जो हमें समझना है। वो भी प्यार करता है, उसके अंदर भी दूसरों के लिए एक मन है, लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो लोगों से जुड़ नहीं पाता, और यही ऑटिज्म है। तो इसलिए हमें ऑटिज्म से डरना नहीं है, उससे प्यार करना है और हर ऑटिज्म बच्चे को आगे बढ़ाना है। हर बच्चे की अपनी क्षमता है, हर अभिभावक माँ बाप की अपनी क्षमता है। अगर माँ बाप की क्षमता, अच्छे थेरेपिस्टों की मेहनत, अच्छे डॉक्टरों का कॉन्ट्रीब्यूशन और बच्चे की क्षमता को समझ के हम हर बच्चे को अच्छा कर सकते हैं। शुक्रिया सर, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे पेरेंट्स की हेल्प करेंगे। मुझे ये उम्मीद है कि इस इन्फॉर्मेशन से हम जगह जगह तक पहुंच सकें, हर कस्बे तक पहुंच सकें, हर इलाके तक पहुंच सकें, हर ज़िले तक पहुंच सकें, हर तालुक तक पहुंच सकें, हर पंचायत तक पहुंच सकें। और क्योंकि ऑटिज़म की मात, ऑटिज़म जिन बच्चों को ऑटिज़म में बढ़ती जा रही, एक टाइम था जो 1 in 10,000 था, अब 1 in 59 हो गया है। हम जितनी जल्दी इनको पहचानेंगे, उतनी जल्दी हम इन बच्चों को डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे। तो एंड में ये कहूँगा, जितना जल्दी उतना बेहतर। शुक्रिया।